अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अमन मुस्लिमा व्लॉग्स। आप सभी जानते हैं कि मुंबई में बच्चों के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बोर्ड के तो स्टार्ट हो चुके हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारी माएँ परेशान हैं, अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा और कामयाब भी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मुझे शॉपिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं कर पाऊँगी और परेशानी भी होगी, बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। तो आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ और मैंने अफ्तार में क्या क्या बनाया है और क्या क्या हुआ है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सुबह 9:30 बजे के करीब मैंने ना ये वटाने भिगा दिए थे कि ताकि मैं शाम को है ना इनको बॉईल कर सकूं। ये मैं आज बना रही हूँ चाइना क्रास का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, डिलीशियस बहुत होता है, बच्चों को तो पसंद होता ही है, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये आधा लीटर दूध में बना रही हूँ। ये आधा लीटर दूध मैंने है ना चूल्हे पर चढ़ा दिया है पतीली में, बस इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं होती और टेस्टी बहुत बनता है। और एक साइड में मैंने पतीली में पानी लिया हुआ है। इस पानी को है ना, ये आधा कप पानी है, इस पानी को है ना गुनगुना करना है, अच्छे से गर्म कर लेना है। और उसमें ना मैं ये पहले वाला मैं अपना आधा जो पैकेट था वो वाला डालूँगी, क्योंकि इसमें ही हो जाएगा काम, हो जाएगा मेरा। बस इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है हमें, ताकि ये पूरा पानी में ना अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ते हो रहा था, ये 4:30 बजने वाला था। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं कि आज मैं इफ्तारी बनाऊंगा, तुम मत बनाना। तो वो वही चेक कर रहे हैं मुझे क्या क्या बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं जो मुझे मेरे काम करने हैं मैं वो पहले कर लेती हूँ। तो ये दूध में अच्छे से बॉईल आ गया था, तो अब इसमें है ना मैंने आधा कटोरी के करीब ना शक्कर डाली है, क्योंकि ये आधा लीटर का ही दूध था। तो इसमें ना आधा कटोरी शक्कर बस होगी। और ये है पिस्ता फ्लेवर का एसेंस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसे भी डाल के ना हमें अच्छे से चम्मच चला लेना है। और ये है एप्पल ग्रीन, एडिबल कलर होते हैं। ये वाला ग्रीन अलग होता है और जो नॉर्मल ग्रीन होते हैं ना कलर वो अलग होते हैं। ये एप्पल ग्रीन जो होता है ना सेम एप्पल के कलर का होता है, अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी अच्छा लगता है। और ये है इलायची का एसेंस, मैंने कभी इससे पहले डाला नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ कि मैं डाल के देखती हूँ कि सच में उसका फ़्लेवर आता है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें ना इलायची नहीं डाली, वरना अगर इलायची डालना चाहते हैं तो कूट कर इलायची डाल लें। अब ये देखिए ठंडा हो चुका था, तो इसे मैं ऐसे ही डाल लूँगी। सारा इसमें डाल लेना है और अच्छे से चम्मच चलाना है हमें। ये बहुत टेस्टी बनता है और जिनके घर में बनता होगा उन्हें पता होगा कि कैसा बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एक मिठाई जैसा एक ना बहुत अच्छा लगता है ये। बस इसे ना हमें साइड में ना ठंडा होने रख देना है, थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाना है खुले में। तो मैं इसीलिए ना जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि मैं इफ्तारी बनाऊंगा, तो मेरे लायक के और जो मेरे करने के काम थे तो मैंने सोचा कि पहले वो काम निपटा लेती हूँ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। क्योंकि वो कहते रहते हैं कि मेरे दोस्त ने आज ये बनाया था, मेरे दोस्त लोग अपने घर में बनाते हैं, मैं भी बनाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना लेना। तो अब ये देखिए एक ट्रे ली है मैंने, इसमें मैं ये सारा डाल लूँगी। ये पूरा हमें इसमें डाल लेना है और इसको अच्छे से ना ठंडा होने देना है। बस ये जल्दी ठंडा हो जाता है। अब ये ऊपर से ना मैं इसको चला रही हूँ ताकि ऊपर से ना अच्छे से फेज़ बन जाए, झाग बन जाए। ये झाग वाला है ना बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा पसंद है। बस इसको ऐसे चम्मच चलाना है, ऊपर से ऐसे फेस फेस आ जाएगा, इसको साइड में रख देना है हमें। ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है, तो ऊपर से ना सरफेस थोड़ा टाइट होने लगता है, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है हमें। अब ये मैंने ना 1.25 किलो के करीब चिकन लिया हुआ है, ये सहरी में भी काम आ जाएगा और इफ्तारी के बाद भी आ जाएगा। तो ये खाना तो मुझे ही बनाना था, हस्बैंड तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ ये भी जल्दी से बना के रख दूँ। ये जो मैंने वटाने भिगा के रखे हुए थे, अब ये मैं कुकर में डाल लूँगी। ये वटाने हैं ना मैंने सुबह में 9:30 बजे के करीब भिगाए थे, तो ये शाम तक के अच्छे हो गए थे। और अक्सर मैं यही टाइम पे बॉईल करने के लिए रखती हूँ वटाने।
या चना। फिर मैंने एक बटाटा लिया है, उसे अच्छे से धो लिया था, पानी में डाल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है हमें, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी ही डालनी है। तो ये मैंने हल्दी इसमें डाल ली थी। अब इसे है ना हमें ढक्कन लगा कर है ना चूल्हे पर चढ़ा देना है। 3 से 4 सीटी में ना ये बटाने अच्छे से गल जाएंगे। मैं ये रगड़ा बना रही हूँ, सिंपल तरीके का रगड़ा होता है, बहुत टेस्टी होता है और बच्चे भी खा लेते हैं। जैसे मुंबई स्टाइल में बनता है ना रगड़ा, मैं वैसे नहीं बना रही क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाएँगे इतने शौक से। तो अब ये मैंने चिकन अच्छे से धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, 1.5 से 2 चम्मच के करीब है। और ये है 1/2 कटोरी दही। अब इसमें हमें ना मैंने इसे ना अच्छे से कटोरी को सॉरी दही को ना अच्छे से फेंट लिया था तब इसमें मैंने डाला है। और इस बार मैं ना अक्खे मसाले डाल रही हूँ, पिसे हुए मसाले मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो इसलिए मैं ये अक्खे वाले मसाले डाल रही हूँ। इसमें लौंग है, इलायची है, दालचीनी है और काली मिरी है और तेज़पत्ता है और ये 1/2 नींबू निचोड़ना है हमें इसमें। और ये है केवड़ा एसेंस, इसके 3 से 4 ड्रॉप डालने हैं। ये डालने से ना फ्लेवर बढ़ जाता है, टेस्ट अच्छा लगता है। और ये 3 टमाटर थे बहुत छोटे साइज़ के, चेरी टमेटोज होते हैं वैसे थे, उनको पीस लिया था मैंने। अब ये सारे मसाले हैं जिसमें चाट मसाला है, भुना ज़ीरा है, धनिया की बुकी है, मसाला किंग है, लाल मिर्ची की बुकी है, कश्मीरी लाल मिर्ची की बुकी है, हल्दी है और नमक है। इन सब को डाल के ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि है ना सारा फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देना है इसे हमें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास और हम लोगों को बाहर शॉपिंग के लिए भी जाना था बच्चों को लेके, तो इसलिए मैंने सोचा झटपट मुझे ये सारे काम कर लेने चाहिए। अब ये मैं इसको है ना चेक कर रही हूँ, ये हलवा है जिसको मैं चेक कर रही हूँ। तो अब इसको है ना ऊपर से सरफेस थोड़ी टाइट हो गई थी, तो ये टाइम पर ना इस पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह बारीक बारीक काट कर डालेंगे ना तो अंदर नहीं जाएंगे, नीचे बैठते नहीं हैं, ऊपर ही रहते हैं। वरना तो अगर शुरू में ही हम डाल देंगे तो सारा है ना नीचे बैठ जाएगा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो ये माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाली थी और टेस्ट भी अच्छा ही था। वो कहते हैं ना लेडीज़ लोग को आदत हो जाती है नमक की, शक्कर की, सब की। अब ये मैं कांदा वगैरह काटने आई हुई हूँ क्योंकि मुझे ये हैदराबादी चिकन चढ़ाना था चूल्हे पर और रेडी भी करना था। अब ये थोड़ा और टाइट हो गया था तो अब इसमें है ना इसको मैं है ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए अफ्तारी के टाइम तक कर तक का। तो ये मैंने रख दिया है फ्रिज में, ये ठंडा हो जाएगा। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, ये कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है हमें और उसमें मैंने डाल दिया था तेल। तेल डालने के बाद मैंने कोई मसाला नहीं डाला क्योंकि मैरिनेट करने के टाइम मैंने सारे गरम मसाले डाले हुए थे। और ये सारा कांदा डाल के ना हमें इसको अच्छे से लाल कर लेना है। ये 2 मीडियम साइज़ के कांदे थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसका बिरिस्ता बनाना है। ये देखिए मुझे कह कर के मैं इफ्तारी खुद बनाऊंगा और ख़ुद सो रहे हैं तो इसलिए मुझे उठाना भी अच्छा नहीं लगा कि उठाऊं इनको और बोलूं आओ इफ्तारी बनाओ, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे कोई बात नहीं। रोज़े से थे इसलिए मुझे दिल नहीं हुआ उठाऊं उनको। तो ये कांदा वगैरह लाल हो गया था तो ये कुछ काजू मैंने भिगा के रखे थे पहले से ही, तो ये काजू इसमें डाल के मैं पीस लूँगी अच्छे से। ये उसी तेल में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला था। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो सारा हमें है ना इसमें डाल लेना है अच्छे से। अब ये मेरी आस्तीन ना बार बार आगे आ रही थी तो मुझे बार बार है ना पीछे करनी पड़ रही थी क्योंकि खाना वगैरह सब इसमें लग रहा था तो इसलिए पीछे करनी पड़ रही थी। इसे मैंने चेक किया और अब इसे मैंने ना ढक्कन लगा के रख दिया है। अब ये देखिए ये साइड पर है ना मैं आई हुई हूँ, ये वटाने गल गए थे तो अब बस इसको चेक करने आई हूँ, पूरी तरीके से गल गए हैं। ये मैं फ्रिज में से है ना कटलेट और समोसे वगैरह निकाल लूँगी फ्राई करने के लिए क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ था तो बस स्पीड मेरी बढ़ती जा रही थी। हर घर में अफ्तार के टाइम पे ऐसा ही होता है, भागदौड़ लग जाती है सबकी, पूरे दिन से काम करते रहो मगर अफ्तार के टाइम पर ऐसा होता ही है। ये मैंने कटलेट वगैरह बना के रखे थे पहले से ही, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपसे मैं। ये मैं फिर से चेक करने आई हुई हूँ ये हैदराबादी चिकन को,
तो ये अच्छे से भुने जा रहा था, तेल भी अच्छे से ऊपर सरफेस पे आ रहा था, बस कुछ ही देर में ये भी पकने वाला था। क्योंकि मुझे है ना वो नहीं था कि मैं है ना बाहर से जाकर आऊँ शॉपिंग करके फिर सहरी के लिए कुछ बनाऊँ, तो मेरी इतनी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि मैं फिर अफ्तार के बाद कुछ काम कर सकूँ। अब ये साइड पर मैं है ना भजिए के लिए कांदा वगैरह काट रही हूँ, ये चेक कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि है ना ये जो काजू वगैरह का मसाला होता है ना तो उससे ना मसाला नीचे लग जाता, तो इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। जिसमें काजू है नट्स वगैरह डालते हैं ना पीस के तो वो नीचे लगता ही है। ये देखें अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ काजू और पिस्ते का मसाला, तो बार बार चेक करें पहले भी और काजू वगैरह डालने के बाद भी, ऐसे चेक करते रहेंगे ना तो मसाला नीचे लगेगा नहीं। अब ये जो जार में पानी बचा हुआ था ना, सॉरी मसाला बचा हुआ था, उसमें पानी डाल के मैंने सारा इसमें डाल दिया है। असल में कैसा होता है ना, क्योंकि अफ्तार वगैरह करके हम ये वॉइस ओवर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए ना कुछ भी मुँह से ऐसे निकल जाता है गलती में। अगर कुछ भी ऐसे बाई मिस्टेक कुछ हुआ होगा तो नज़रअंदाज कर देना प्लीज़ उस बात को, आप सब जानते हैं रोज़े में क्या हालत होती है। अब ये देखिए चने में सॉरी बटाने मैंने निकाल लिए थे साइड में, और ये बटाटा जो मैंने साथ में बॉईल किया था ना उसे भी मैंने साइड में रख दिया है। अब बस इसमें मैं है ना ये चिली फ्लेक्स डालूँगी, ये एक चम्मच भर के डाला था मैंने। अब इसे है ना हमें अच्छे से चला लेना है। मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती, बस ऐसे सिंपल ही रखती हूँ। वैसे तो आप जो रगड़ा खाते हैं उसमें तो खट्टा पानी, मिर्ची का पानी, पता नहीं क्या 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 रहता है, तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो इसलिए मैं नहीं डालती। ये बटाटे मैंने ऐसे ही हाथों से रफली तोड़ के डाल लिए थे बस, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे शौक से खाते हैं। ये मैंने साइड में रख दिया था, और ये मैं ना भजिए के लिए आई हुई हूँ रेडी करने के लिए सारा मैरिनेट, जिसमें कांदा, बेसन, हल्दी, लाल मिर्ची की भुखी, नमक वगैरह सब कुछ मैंने डाल लिया था कि बस एंड टाइम पे मैं फ्राई करने के लिए खड़ी हो जाऊंगी। अब ये चेक करने आई हुई हूँ मैं, तो ये पकना अभी बाकी था इसका। ये जो मैंने कांदे की भजिए के लिए मैरिनेट रेडी किया था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा है ना बारीक बारीक काट के बटाटे भी डाले हैं, तो अब ये इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी पानी डाल के, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी पानी, थोड़ा ही। और ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, मैं बिल्कुल कोई भी फ्राई आइटम नहीं खाऊँगी बिल्कुल भी। मुझे है ना तकलीफ़ हो गई थी नमाज़ वगैरह में भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी, सांस लग रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी। अब ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने तेल डाला था, और उसमें ज़ीरा और एक हरी मिर्ची काट के डाली थी ये रगड़े के लिए, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए, अच्छा टच देने के लिए। ये माशाल्लाह से ऐसे लगता है, टेस्टी बहुत होता है। अब उसी कढ़ाई में मैं ना तेल डालूँगी, ये सब भजिए वगैरह मुझे फ्राई करने हैं इसी में। अब ये मैं भजिए डाल रही हूँ इसमें, आज मैं चम्मच की हेल्प से डाल रही हूँ, वरना तो हमेशा हाथों से ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार फिर हाथ धोने पड़ेंगे, दूसरे काम रह जा रहे थे। दो दिन से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा अफ्तारी, मैं बनाऊंगा। बस देखिए ये अब है ना फ्रूट काट रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अफ्तारी बना लेंगे वो, तो इसलिए मेरी स्पीड और बढ़ गई। मैं बेफिक्र थी कि आज हस्बैंड बनाने वाले हैं, फिर एंड टाइम पर ऐसा हो गया वो सो गए, तो इसलिए मुझे ही सब करना पड़ा जल्दी जल्दी। तो जितना हो सका माशाल्लाह से मैंने उतना सब कुछ किया है, अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत कुछ कर लिया था मैंने। ये भजिए भी रेडी थे, मैंने अलट पलट कर लिया था इन्हें अच्छे से। अब ये एक प्लेट में मैंने साइड में निकाल लिया है, और ये बटाटे की भजिया तो मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे शौक से खाते हैं ये भजिया, कांदे वगैरह की भजिया बिल्कुल छूते भी नहीं हैं वो लोग। आपको दिख रही होगी मेरी स्पीड कितनी है इधर। अब ये देखिए ये शरबत भी बना रहे हैं माशाल्लाह। ये वाटरमेलन कलिंगर काट लिया था उन्होंने, बारीक बारीक चॉप किया था। अब ये रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसमें, बस ये रूह अफ़ज़ा बनाया इन्होंने, और सॉरी शरबत बनाया है, और ये फ्रूट्स काटे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। ये माशाल्लाह से सब कुछ मेरा रेडी था। ये स्टिक वगैरह है ना, ये जो चिकन कांडी, ये मेरे हस्बैंड बाहर से लाए थे,
मुझे बाहर की बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये समोसे जो मैंने पहले बनाए हुए थे ना, वो वाले समोसे हैं। ये मैंने 3 ही फ्राई किए हैं मेरी बेटी के कहने पर, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और ये कटलेट भी मैंने 3 ही फ्राई की है मेरी बेटी के लिए, अगर मैं खाती ना तो मैं ये 8-10 फ्राई कर लेती मैं ये, मगर मुझे नहीं खाने थे तो इसलिए मैंने ना मेरी बेटी के लिए सिर्फ 3 ही फ्राई किए हैं। क्योंकि ज़्यादा बना लो और वेस्ट में फिर मजबूरी में खाना ही पड़ जाए तो वो हालत ख़राब हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। अब ये देखिए, ये हम लोगों की इफ्तारी हो रही थी। मैंने ना मेन काम यहाँ मैं भूल गई थी, जो मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, सॉरी चाइना ग्रास का जो हलवा बनाया था वो फ्रिज में ही रखा रह गया। हम लोगों को किसी को याद भी नहीं रहा, इतनी भागदौड़ में और रफ्तार में इतने हम लोग मगन हो गए थे तो वो याद ही नहीं रहा किसी को। ये देखिए मेरी बेटी मुझे ही ना चिकन कांडी दे रही है, मम्मा खाओ बहुत अच्छा है। तो ये मैंने एक पीस लिया था, इसमें से फ्राई आइटम मैंने बिल्कुल नहीं छुआ था। देखिए आपको जिसको भी तकलीफ़ है ना, थायराइड है किसी को या फिर खाने से तकलीफ़ होती है तो बिल्कुल मत खाइए। अब ये देखिए ये कस्टर्ड फ्रिज में से निकाल के लाई मैं, तो ये तो अच्छा था कि चलो ठंडा हो गया था, मगर हस्बैंड है ना नमाज़ पढ़ने जा चुके थे तो नमाज़ पढ़ के वो थोड़ा दोस्तों में नीचे रुकते हैं, मेरी नमाज़ वगैरह हो चुकी थी मगर मैं बच्चों को लेकर बैठ गई थी खाने के लिए। बहुत टेस्टी बना था, बड़े मज़े का बना था, टाइड भी अच्छा हुआ था, खूब अच्छा लग रहा था। ये ग्रीन कलर बहुत पसंद है मुझे, इसमें येलो है ग्रीन है। मैं राइटी हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड से खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये बहुत टेस्टी बना था, मेन यही था आज मेरा कि ये बहुत अच्छे से मुझे बनाना है, खिलाना है, मगर हस्बैंड नहीं खा पाए तो उन्होंने बाद में आके खाया था ये। अब ये मेरी बेटी खा रही है, ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। ये माशाल्लाह से हमारा इफ्तार पूरा हो गया था। अब ये हैदराबादी जो चिकन मैंने बनाया था ना, अब उसमें बस ऊपर से कोतमीर डालना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। अब इसको मैं ना ढक कर रख दूँगी ताकि ये सहरी में भी हो जाए, हम लोग बाहर से आए तो उसमें भी खाना है तो खा लें। ये रेडी था माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स ये है ना कल का क्लिप है, वीडियो क्लिप है, हम जब गए थे एक दिन पहले तो उस दिन का क्लिप है ये। हम लोग बाज़ार गए थे तो है ना ऐसे टाइम पे पहुँचे हम लोग के ना सब कुछ बंद होने वाला था, तो इतना कुछ खास हम लोग ख़रीद नहीं पाए। किड्स कैंप भी बंद था, बच्चों के थोड़े शोरूम थे वो भी बंद थे, तो इसलिए हम लोग ना ये कुर्ता पजामा की शॉप में आए तो कुर्ता पजामा ले लिया था हम लोगों ने। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स थे इसमें, बहुत अच्छा लग रहे थे, तो हम लोग को जो जो थोड़ा बहुत समझ में आया हम लोग ने वो ले लिया। तो हम लोगों ने सोचा कि ना नेक्स्ट डे आएंगे हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों को टाइमिंग का इतना पता नहीं था तो बहुत जल्दी बंद हो रही थी। हम लोगों ने सोचा सैंडल है बच्चों के जो नाप से कपड़े लिए जाते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम रहेंगे तो इतना हम लोग नहीं लेके जा पाएंगे बच्चों को, या फिर मैं ही खुद चले जाया करूँगी। तो मगर वैसा हो नहीं पाया, टाइमिंग नहीं पता था हम लोगों को, इतनी जल्दी बंद हो जाएगा वो नहीं पता था। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं कपड़े, कौन सा कपड़ा लेना चाहिए कौन सा नहीं। कपड़े तो बहुत अच्छे आए हुए हैं, पाक पहनावा, पाकिस्तानी ड्रेस, कुर्ते पजामे बहुत आए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने भी लिए हैं। इंशाल्लाह सब कुछ सेल वगैरह के आ जाएगा ना तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी मैं। तो ये वाली शॉप है जो अक्सर मेरे हस्बैंड यहीं से लेते हैं। ये माशाल्लाह से ये दारुफला मस्जिद है अमृत नगर में, बहुत प्यारी मस्जिद है। मस्जिद तो सारी प्यारी होती है मगर मुझे ये मस्जिद बहुत पसंद है। ये हम लोग बाहर निकल गए थे कपड़े लेकर, ये दूसरा भी काम बाकी रह गया था हमारा। ये रोड चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं इधर ख़रीदी जा सकती है, मगर नहीं, शोरूम वगैरह दुकानें वगैरह सब बंद हो रही थी। तो हम लोग सोचे कि अब क्या करना चाहिए, वापस घर चलते हैं, तो बस बच्चों को ये सब खाना पीना था यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे खाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी था। ये यहाँ पर पुलाव है, खिचड़ा है, फालूदा वगैरह अच्छा मिलता है, टेस्टी मिलता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा आते ही आते हैं। रमज़ान में 5 से 6 बार आ जाते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। अब ये देखिए हम लोगों ने पुलाव मंगाया था, खिचड़ा मंगाया था और फालूदा वगैरह मंगाया था। मुझे तो बिल्कुल खाना नहीं था क्योंकि घर का भी खाना था और सहरी भी करनी थी नेक्स्ट डे के लिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया था, बच्चों में ही 1-2 बाइट मैंने ले लिए थे। अब ये माशाल्लाह से बच्चे खा रहे हैं, ये फालूदा है बच्चों के लिए ही, अच्छा लगता है। पता नहीं ये लोग क्या ऐसा डालते हैं जो इतना टेस्ट बढ़ जाता है,
बस ये एक प्लेट पता नहीं कितने की थी, पता नहीं मुझे खिचड़ा भी कितने का था पता नहीं, मगर टेस्टी था, अच्छा लगता है। हम लोग को जाना था लाजवाब, हम लोग सोचे थे कि ना हम लोग लाजवाब जाएंगे, तो हम लोग नहीं जा पाए। तो अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है हमारा, जिस दिन मैंने आपने अफ्तारी वगैरह देखी है उस दिन का क्लिप है, एक दिन पहले का आप लोगों ने वीडियो देख लिया है शॉपिंग का। अब ये नेक्स्ट डे का ये हमारा, तो ये हम लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं ये जीन्स वगैरह देखने के लिए। तो दुकानें थोड़ी सी खुली थी, तो दुकानों में से भी कह रहे थे भाई जितने भी थे वहाँ पे कि अभी है ना स्टॉक और आने वाला है। जैसे ही इंसान सामने वाला सुनता है ना कि और आने वाला है तो इंसान है ना ख़रीदने से रुक जाता है, हालांकि उन लोगों को ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि हाँ और आने वाला है, तो इंसान सोचता है कि नहीं और अच्छा आने वाला है वहाँ से और लेंगे। तो उसी में ही है ना हम लोग थोड़ा ही लिए। अब ये हम लोग है किड्स कैंप में, ये बच्चे के लिए मेरे तोप ले रहे थे हम लोग, जिसे झुब्बा कहते हैं, और कुर्ता पजामा वगैरह ले रहे थे। तो उसमें भी वो भाई ने कह दिया कि अभी और अच्छा कलेक्शन आने वाला है तो हम लोग उसमें भी रुक गए, बोले ठीक है 4-5 दिन बाद आके लेंगे। अच्छे लग रहे थे, बड़े ही प्यारे प्यारे थे। ये कोई ब्रांड था अरुष करके, कोई ब्रांड था शायद, बहुत अच्छे थे इसके कपड़े। ये क्या है, मशरू, हाँ मशरू ब्रांड था ये, अच्छे थे कपड़े। ये मेरे बेटे ने इसमें से ना ये ट्राई भी किया था, अच्छा लग रहा था, मगर वो कन्फ्यूज था कि पठानी लूँ या फिर ये तोप लूँ, तो वो ही उसमें लगे हुए थे कि क्या लेना चाहिए। अच्छा लग रहा था माशाल्लाह ये वाला भी, बड़े ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हैं किड्स कैंप में भी। ये चेक करके देखा है इसने, पसंद आया था इसे, ये भी हम लोगों को भी पसंद आया, हम लोगों ने कहा कि ले ले, मगर इसने लिया नहीं कि नहीं मम्मा मुझे पठानी चाहिए। असल में कैसा होता है ना, दोस्त लोग जो पहनते हैं, दोस्तों को दूसरे दोस्त को भी वही पहनना होता है अभी हम लोग आए हैं दूसरे शॉप में कुर्ते पजामे के लिए, हस्बैंड के लिए भी और बेटे के लिए भी। तो ये भाई ने भी कह दिया कि हाँ अभी आने वाला है, ये देखो कटिंग होके रखा है हमारे पीछे वाली शॉप पर। तो बस अब वो अगले हफ्ते के लिए और टल गया है 4-5 दिन के लिए, तो अब इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद जाके खरीदेंगे। पता नहीं ये भाई लोग ऐसी बात क्यों बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसा, हम लोगों का काम बच जाता है। तो हम लोग तक कुछ खास ले नहीं पाई मैं, ऐसे ही हम लोग घर आ गए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी मुझसे सवाल करना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।